चीन का राष्ट्रीय अनाज व्यापार केंद्र 13 मई को बोली के माध्यम से 3,14,000 टन आयातित सोयाबीन बेचेगा। व्यापार केंद्र ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। विश्लेषकों ने कहा कि इस कदम से घरेलू सोयाबीन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी और बाजार को ऐसे समय में स्थिर किया जाएगा जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक सोयाबीन की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे वनस्पति तेलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जानकारी के अनुसार आयातित सोयाबीन को 2019 में राष्ट्रीय भंडार में जोड़ा गया था। हाल ही के वर्षों में कुछ सोयाबीन स्टॉक की बिक्री हुई थी, लेकिन अधिकांश बिक्री टर्न ओवर के लिए की गई थी, क्योंकि कुछ स्टॉक कुछ वर्षों के बाद खराब हो जाता। वैश्विक सोयाबीन तेल की कीमतों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के चलते स्टॉक रिलीज किया जा रहा है। उच्च कीमतें वैश्विक कृषि सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम पैदा करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार पिछले महीने के अंत में शिकागो में सोयाबीन तेल रिकॉर्ड 86.69 सेंट प्रति पाउंड हो गया। रूस और यूक्रेन संयुक्त रूप से सूरजमुखी तेल, जो कि दुनिया के प्रमुख वनस्पति तेलों में से एक है, के वैश्विक निर्यात में 76% हिस्सा रखते हैं। अप्रैल में दुनिया के सबसे बड़े वनस्पति तेल शिपर इंडोनेशिया ने ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिससे पहले से बुरी तरह प्रभावित हो रखी वैश्विक आपूर्ति और प्रभावित हो गई। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीन ने इस साल सोयाबीन और तेल फसलों की खेती का विस्तार करने के लिए कई नीतिगत समर्थन उपायों को भी जारी किया। अप्रैल में जारी एक कार्य योजना के अनुसार चीन राज्य के स्वामित्व वाले खेतों में 9,73,300 हेक्टेयर से अधिक सोयाबीन और 3,00,000 हेक्टेयर तेल की फसलें लगाने की योजना बना रहा है, जिसमें रेपसीड, सूरजमुखी और मूंगफली शामिल है। सोयाबीन और तिलहन फसलों की पैदावार में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।